दिल्ली से, मैं खापिया गांव से हूँ, बुल्डा जात से हूँ। मेरे ये भाई है सत्यनारायण, इसके साथ भी आज से एक महीना पहले मारपीट की गई थी, बहुत गंभीर था। जवाहर हॉस्पिटल से जोधपुर रेफर किया गया था, बहुत सीरियस था। 15-20 दिन भर्ती रहने के बाद हमें छुट्टी दी गई। हमने पुलिस में FIR दर्ज कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके 15 दिन बाद मेरी दुकान में आकर मुझे धमकियां दी गई, उस पर भी मैंने FIR दर्ज करवाई, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उसका नतीजा मेरी दुकान में आकर 4-5 जनों ने सरिये और लगी लाकर मेरी दुकान के साथ मारपीट तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, और मेरे हाथ में, मेरे कंधों में मेरे भाई के साथ मारपीट की। और आज पड़ोसी ने आकर मुझे बचाया, नहीं तो मेरे को मार देते। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम पिछले 2 महीने से हम पुलिस पे FIR दर्ज करके हम मांग रहे हैं हमें बताया जाए, कोई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने पुलिस में 2-3 बार FIR दर्ज की गई, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी हुई, नहीं उनको प्रतिबंध किया गया, कोई नहीं। आज हमारे साथ ये घटना हुई, आपके साथ में सुनने में आया कि लूट की घटना भी हुई। लूट की घटना हुई, क्या हुआ है, क्या हुआ, कितने रुपए लगे लूट के लिए? लूट पहले भी लूट 5-7 हजार रुपए लूटे गए थे। भाई का अपहरण किया गया और जंगल में ले जाकर उसे पूरी तरह से मारा गया। आज क्या हुआ, आज कितने रुपए लूट के ले गए? आज लूट पाट की गई, मेरे 5-6 हजार रुपए और मेरी दुकान के साथ पूरी तोड़ फोड़ करके गए। अब अगर पड़ोसी नहीं आते तो आज मुझे मार देते, बहुत बड़े लगी है ये लगिया रहा। अरे यार गड़े गड़े यार गड़े 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 इससे बड़े भी 4 गुना बड़े लगी लाए और मुंह पे बांध कर आए कि युवराज सिंह, कृत सिंह से आप ऐसे मांगेगा दिल्ली में किया अगला। क्या नाम है आपका? FIR वापिस ले लो, नहीं आपको हड्डियों से तोड़ देंगे, पेट से तोड़ देंगे, रीढ़ से हड्डियों से तोड़ देंगे, आपके जो भाई है उनको मार देंगे। ये हम पे मारने की धमकियां दे रहे हैं पिछले 2 महीने से, हमारा कोई प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। हमने 2 FIR करवाई, कोई सब मिली भगत होने के कारण उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप वापिस लो, FIR वापिस लो, नहीं तो आपको मार देंगे, तोड़ देंगे, गांव से उठा देंगे।